स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। पिछले टॉपिक में हम क्या पढ़े थे, लाइटिका लाइसोजेनिक साइकिल। हम आज वायरस का इकोनॉमिक आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो वायरस होगा वो यूजफुल होगा और कुछ वायरस होगा वो हार्मफुल होगा। कुछ है ना यूजफुल हमारे काम का चीज है और कुछ हानिकारक है, ठीक है। आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है, आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक जीव विज्ञान। जैसे हमारा, ठीक है, आणविक जीव विज्ञान में क्या किस चीज का डिस्कशन करेंगे, डीएनए है, ठीक है, आरएनए है और आरएनए प्रोसेसिंग है। इन सब चीजों के बारे में इनको है ना हमारा वायरस जो है वो यूज होता है। किसमें, डीएनए में, आरएनए में, आरएनए के प्रोसेसिंग में है ना, प्रोटीन निर्माण में, सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है कि इसमें वायरसेस का यूज होता है। दूसरा है वायरोथेरेपी। वायरोथेरेपी में क्या होता है कि जैसे हमारा कैंसर हो गया, ठीक है, उसके कैंसर हो गया या फिर कोई रोग हो गया, उसको ठीक करने के लिए वायरोथेरेपी का यूज किया जाता है, यानी वायरस का यूज किया जाता है। वैसे ही है एंटीबायोटिक्स बनाने में, क्या होता है कि जो वायरस है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया अगर अधिक हो जाएगा किसी चीज में तो उसमें वायरस क्या करता है, वायरस बैक्टीरिया को भक्षण करता है, खा लेता है। जैसे मैं बताई हूँ तो क्या करेगा कि अगर मान लो बैक्टीरिया अधिक हो गया, ठीक है, अधिक हो गया तो क्या करेगा, वायरस से ही उनका एंटीबॉडी बनाकर, ठीक है, वायरस से उनका एंटीबॉडी बनाकर हम यूजफुल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, वायरस में प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, कैस्पिड का बना होता है प्रोटीन, बताई थी, ठीक है, उससे ही प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन का। जैसे एचआईवी के लिए, रूबेला वायरस के लिए, ये सब वायरस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, इससे ही प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। रूबेला वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, इससे क्या करेंगे, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होगा, अगर मान लो हमारे नदी में बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें कोई भी वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, वो दूषित नहीं होगा वो पानी, कोई भी तालाब नदी जहाँ भी हो, ठीक है, अगर बैक्टीरिया की अधिक मात्रा हो गई तो वहाँ पर वायरस या बैक्टीरियोफेज की मात्रा डाल देंगे तो क्या होगा कि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है या फिर वहाँ का जो जल है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम यूज कर सकते हैं वायरस को। छठवां है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जैसे कोई भी डिजीज हो गया, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, पोर्ट लेप्रेसी, ठीक है, या फिर हमारा निमोनिया, उस सब चीज में ट्रीटमेंट करते हैं वायरस में, क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सातवां है आपका ट्रीटमेंट एंड पॉलिटेड वाटर। अभी बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर पॉलिटेड वाटर को हम क्या कर सकते हैं, वायरस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ गया हमारा हार्मफुल, ठीक है, पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक वायरस। तो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज देखो। ह्यूमन डिजीज में रूबेला वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, हर्पीस वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, ये सब क्या हो गया, ह्यूमन डिजीज।
गन या बॉम्ब से नहीं करके किससे कर देंगे, वायरस के थ्रू उन पर अटैक कर देंगे। तो वहाँ के जितने भी प्राणी